हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल खत्री स्टेनो। सो अभी जो है हमारा HSSC ग्रेड सी या ग्रुप सी का हमारा जो है वो रिवाइज रिज़ल्ट आया, तो उसे हम कैसे देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके अंदर साफ साफ दिया हुआ है, ऑल कैंडिडेट्स विजिटिंग दिस पोर्टल फॉर द फर्स्ट टाइम नीड टू क्लिक ऑन न्यू कैंडिडेट बटन। तो हम न्यू कैंडिडेट पे क्लिक करेंगे, रजिस्टर्ड कैंडिडेट पे अभी हमें क्लिक नहीं करना, ठीक है। थोड़ा सा सर्वर एरर है, इसलिए मैंने इसमें स्क्रीनशॉट कैप्चर कर रखे हैं, जिससे आपको समझने में आसानी होगी, ठीक है, और जल्दी समझ आएगा। तो न्यू कैंडिडेट पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो उसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, जैसा कि आपने देखा कि मैंने रजिस्ट्रेशन जो है फिल कर दिया। उसके बाद चेक रजिस्ट्रेशन डिटेल पे हम क्लिक करेंगे, उसके बाद यह इंटरफेस आ जाएगा कि जो मेरी ईमेल आईडी और जो मेरा मोबाइल नंबर है, तो उस पर एक OTP आएगा, ठीक है। वो OTP आपको आगे सेंड करना है, ठीक है। तो वेरीफाई कर लेंगे आप उस पर OTP से, उसको OTP को वेरीफाई करने के बाद आपकी जो है ये डिटेल दे देगा कि आपका नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, फादर नेम, मदर नेम और यूज़र आईडी क्या है। उसके बाद आप इस पर क्या करोगे, प्रोसीड करोगे, ठीक है। प्रिंट अगर चाहते हो कि आप इसको सेव करना तो सेव कर लेना, अदरवाइज़ इसको प्रोसीड करना। प्रोसीड करने के बाद आपके पास फिर से दोबारा वही ओपन होगा पोर्टल, तो इसमें आपको क्या करना है, एंटर करंट पासवर्ड पे क्लिक करना है। जो एंटर करंट पासवर्ड जो है वो आपका जो अभी OTP आपके पास आया है, ठीक है, OTP और आपका जो यूज़र आईडी है, यूज़र आईडी यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर और उसके नीचे OTP आएगा आपकी ईमेल पे। तो आप वो जब इसके अंदर डालोगे तो आप न्यू पासवर्ड यहाँ पे अपना बनाओगे, ठीक है, उसको कंफर्म करोगे। अब आपको क्या करना है, अब आपको वापस यहाँ आना है, रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट पे क्लिक करना है, उसके बाद यूज़र आईडी भरनी है और आपका जो पासवर्ड है वो भरना है। वो पूरा होने के बाद आप एक नए पेज पे जाओगे, ठीक है। नए पेज पे जाने के बाद जो इंटरफेस होगा वहाँ पर आपको लेफ़्ट साइड में 3 आइकन, मतलब कि आपको 3 लाइन दिखेंगी, ठीक है। वो पोर्शन मैंने अभी कैप्चर नहीं किया, आप अपने आप ही समझ जाओगे जब आप वो डिटेल्स फिल करके वहाँ पहुँचोगे, ठीक है। तो लेफ़्ट साइड में आपका सबसे ऊपर ही होगा टॉप पे, वहाँ आप क्लिक करोगे तो आपका रिज़ल्ट होगा। रिज़ल्ट के अंदर आपका CET का रिवाइज रिज़ल्ट होगा, जब उस पर आप क्लिक करोगे तो आपका जो रिज़ल्ट है वो आ जाएगा कि आप क्वालिफाई हो या नहीं हो। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी, ठीक है, कि रजिस्टर्ड कैंडिडेट पे हमें तब क्लिक करना है जब हम अपना जो है न्यू पासवर्ड बना लेंगे, ठीक है। और न्यू पासवर्ड हमें जो है हमारी मेल पे मिलेगा, ठीक है, मेल पे मिलेगा, उसको फिल करके हम अपना जो है नेक्स्ट पासवर्ड जो कि अब हमारा कंटिन्यू चलेगा, ठीक है, जो आप भरना चाहते हो वो पासवर्ड आप उसमें लगा सकते हो, ठीक है। आई होप आप सभी को समझ आया होगा, अगर समझ आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है, शेयर कीजिएगा जिन जिनका HSSC का रिवाइज रिज़ल्ट आया है और वो चेक करना चाहते हैं। सो थैंक्स टू ऑल, बी प्रैक्टिस फॉर HSSC नेक्स्ट स्किल एग्ज़ाम। Good night.